बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सारे बैठो, इधर बैठ जाओ। भारत माता की, आज जरूर में जिस तरीके से स्वागत सत्कार हुआ, शांति भैया, भैया ओ जसवंत, तुम्हें अनुरोध कर रहा था कि शिवराज जी का मुख्यमंत्री आगे चेहरा क्यों नहीं है, तो इसके लिए अमित शाह जी ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, हम जब समय आएगा आपको बताएंगे, आपको पार्टी के काम में पूछने का सवाल नहीं उठता। यहाँ जेपी नड्डा जी आए, उनसे जब ये सवाल किया तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान हमारे। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी आए, तब भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उन्होंने भी नहीं कहा कि शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी उनको जरा आशीर्वाद उनके नेता नहीं देना चाहते हैं, तो जनता कैसे सवाल उठता है, नहीं उठता? और फिर जरा आशीर्वाद किस बात का? इस बात का कि 20 साल में आपने 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्यप्रदेश को ला दिया, या इस बात का कि 1 करोड़ परिवार के लोग, परिवार के बच्चे, परिवार के युवा बेरोजगार प्रदेश में घूम रहे हैं, या इस बात का जरा आशीर्वाद आपको दें कि 2 लाख महिलाएं, 2 लाख यहां कितने वोट है भैया, यहां टोटल वोटों की संख्या कितनी है करोड़ भारतपुरा में? अरे पूरी विधानसभा में 2,56,000, तो 2,56,000 में 3 साल में 2 लाख करोड़ में जितनी जनसंख्या है उसमें 50,000 कम मध्य प्रदेश में महिलाएं गायब हो गई, गायब हो गई। ये मेरा आरोप नहीं है, ये एनसीआरबी के नरेंद्र मोदी जी का डाटा है। नरेंद्र मोदी जी का डाटा ये भी है कि पहले 5 राज्यों में गरीबी की रेखा के हमारा मध्य प्रदेश आ गया, ये अभी 7 दिन पहले का डाटा है। इस बात का जन आशीर्वाद है कि आपने विधायकों की मंडी लगा दी। कभी सुना था, गरोड़ की जनता ने सुना, यहाँ इसी जिले के कुकड़ेश्वर के थे हमारे नीमच के आदरणीय सुंदरलाल पटवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष का भी काम किया, सत्ता में भी किया, और उन्होंने कभी विधायक खरीदे बेचे नहीं। आज की बीजेपी ने विधायकों की मंडी क्यों लगाई, इसका जन आशीर्वाद उनको देना चाहिए कि जन आक्रोश करना चाहिए? बोल के बताओ, जन आशीर्वाद है, जन आक्रोश। मैं अनुरोध ये कर रहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए, हमने सुना था नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, तो पैसे देके वोट किए जाते हैं, गरीब लोगों को पैसे दे दिए वोट दे देना। पर पहली बार आजमान तरीके से एक सरकार ने, एक मुख्यमंत्री ने हमारी बहनों के वोट खरीदने की कोशिश की। अब आप देखो, शिवराज जी 3,000 करोड़ रुपया हर महीने खर्चा लेते हैं, बड़ा सा मंच सजाते हैं, बड़ा सा पांडव लगाते हैं, मंच के आगे रैंप रखता है और रैंप पे वो माफ करते हैं और फिर कहते हैं बहनों तुम्हारा भाई है, मेरी जिंदगी में मुख्यमंत्री बनने की सार्थकता तब होगी जब मैं मेरी बहनों के लिए कुछ कर गुजरू। इनको 20 साल में 18 साल जाती हुई सरकार में समझ में आया कि बहनों के लिए कुछ करना है। अब आप देखो कि जैसे ही शिवराज जी चलते हैं वोट करते हुए तो कहते हैं बहनों 10 तारीख को मैं आपके खाते में 1,000 बढ़ा दूंगा और 11 तारीख को जो सिलेंडर लोगे उसमें 1,100 रुपए छीन दूंगा। फिर कहते हैं बहनों राखी का पर्व आया है, मेरी बहन के लिए मैं कुछ कर गुजरू, राखी फीकी ना हो 250 रुपए डालूंगा। मैं अभी बीकानेर के स्वीट्स में गया, मैंने कहा भैया 250 रुपए किलो में मिठाई है क्या? देखिए 400 से कम 1 किलो भी कहीं कोई से भी मिठाई नहीं मिलती, सही है गलत? तो मेरा मुख्यमंत्री इस तरह का हो गया, वो कहता है कि 250 रुपए में मिठाई मैं दिलवा दूंगा पर मुझे वोट दे देना मेरी बहना, मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री बनना चाहता। क्या हो गया मेरे मुख्यमंत्री, क्या हो गया उनकी समझ को? 20 साल छोटा मोटा अवसर नहीं होता, इतना बड़ा पीरियड एक मुख्यमंत्री को कभी नहीं मिला। देश में चुनिंदा लोग हैं। शिवराज जी पहले कहते थे मैं किसान का बेटा,
फिर कहते थे मेरा किसान भगवान है, मैं अगर किसान के लिए कुछ कर गुजरू तो मैं अपना जीवन सार्थक समझूंगा। यही मल्लारगढ़ में खेत से किसानों को गोलियों से भून दिया, और जब क्यों भूना, उन्होंने कहा था मैं किसानों की इनकम डबल करूंगा। 10 साल से कह रहे हैं 1 लाख बार के दिया। 5 साल पहले 2017-18 में नरेंद्र मोदी को लाया और उनसे भी गिरवा दिया। 4 बार राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। जब ये वो बोल रहे थे, जब 1900 रुपए गेहूं का भाव था, आज 2100 रुपए, क्या डबल इनकम हो गई किसानों की? अरे हो गई क्या? अगर 200 रुपए बढ़ाकर डबल इनकम बोलते हैं वो, मतलब मिर्ची ठोकते हैं किसानों की आंखों में। आप देखो, मैंने विधानसभा में एक निवेदन किया, सारे विधायकों ने मिलकर किया, कांग्रेस का एक एक विधायक था, उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष मत देखो, कांग्रेस बीजेपी मत देखो, किसान के जेब में पैसा आएगा तो इनकम बढ़ेगी, दुकान चलेगी, वो उसकी आमदनी बढ़ेगी तो खर्च करेगा, बाजार में से कुछ ना कुछ खरीदेगा। तो सब मिलके शिवराज जी आपने इतनी बार कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नहीं की कोई बात नहीं, अब 3000 रुपए क्विंटल अनाज और गेहूं का दाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा इसमें राजनीति मत करो, इसमें कांग्रेस बीजेपी मत करो, इसमें सत्ता और विपक्ष भी मत करो, सर्वसम्मति से हम सब मिलके एक साथ एक बात, किसानों का 3000 रुपए क्विंटल किसानों के गेहूं का समर्थन मूल्य का प्रस्ताव पास कर। सबसे पहले विरोध किसने किया बता आपको? अरे किसने किया? ये आपके यहां के धनखड़ विधायक है ना, ये मैं जैसे यहां घुसा धानपुरा गरोठ में, तो मैंने चाय की दुकान पर उतर गया, मैंने पूछा चाय की दुकान पर, मैंने पूछा कि भैया क्या स्थिति है गरोठ विधानसभा, विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? तो थोड़ी देर तो मुझे पहचाना नहीं, पेन चढ़ कर था, फिर क्या आप जीतू पटवारी हो? मैंने जहां मैं जीतू पटवारी, अरे यार भैया बहुत कम लोगों को भाव की बात करो, एक नंबर आदमी हो, किसान ना कर लियो तुम, लड़ता रहो जो करता रहो। मैंने तो विधायक जी का कहीं हाल है, क्योंकि विधायक जी का तो अब टिकट विकट कटिया है, उनका छोरा में बहुत तांडव मचे, जो हर जगह हिस्सेदारी रखता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब परिवार के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो हम विधायक चुनते हैं वो जनसेवक होता है, जनता से विनम्रता से बात करें, हाथ जोड़े, 4 बात सुनने की उसमें क्षमता हो, धैर्य हो। हमारे 15 साल पहले हमारे विधायक थे, यहाँ जो विकास हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया, जो विकास हुआ हमारी 10 साल की सरकार सुभाष चंद्र तेजी के नेतृत्व में उनने किया। पर मैं मानता हूं इस बात को कि आज हालात क्या है, अब वोट खरीदने के लिए सरकार ने तंत्र बना दिया, लाडली बहना योजना, हमें वो कहते हैं, पत्रकार भी पूछते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि जब आप 1500 रुपए की बात करते हो और बीजेपी 1000 रुपए देने की बात करती तो क्रिटिसाइज करते हो, ऐसा कैसे चलेगा? मैंने कहा हम आपकी भी सरकार है और शिवराज जी की जाति भी सरकार है, अंतर को समझो। हमने सरकार बनाने से पहले दृढ़ता से कहा कि मेरी हमारी बहनों के लिए हमें कुछ करना है और 1500 रुपए उनके खाते में डालना है, 5 हाथ पांव तक का कनेक्शन का जो किसानों का उसका माफ करना है, हमने कहा 500 रुपए का गैस का कनेक्शन देना है, हमने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उनके मुकदमे हटाएंगे, हमने कहा कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि इस देश में सबसे पीछे सबसे नीचे गरीब, ये देश किसका है? ये देश है भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, ये भगवान महावीर का देश है, ये देश है पैगंबर का, ये देश है गुरु नानक देव जी का, ये देश है महात्मा गांधी और अंबेडकर का। सबने एक ही बात की, सबने एक बात की कि प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, मानवता से, इंसानियत से संसार चल सकता है। शंकराचार्य इसी धरती के थे, उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा मानवता और धर्म की रक्षा करना है, इंसान इंसान को प्रेम और प्यार से जोड़ना है, न कि नफरत फैलाना। आपको पता है आजकल ये ज्यादा हिंदू मुसलमान कौन करते हैं? ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। जो लोग पहले दलितों से
थाना बढ़ा जाता था ना जिनका, जो छुआछूत करते थे, नफरत करते थे, दूर बिठाते थे, वो आजकल दूसरे धारे पर आ गए। याद रखो इस बात, ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आया तो बीजेपी का मंदिर में कार्यालय देख के आया मैं, ये मंदिर में ही कार्यालय बीजेपी का ही है ना यार, देख के आया मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस बार यहाँ पर गरोट और भानपुरा में कांग्रेस का विधायक बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ तुझे बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरा सबसे निवेदन है, जितने कार्यकर्ता पीछे चले जा, जब मैं सब कायदर और जो दोनों से पीछे चले जा, सारे पीछे चले जा, जब मैंने बोला तो कृपा करो, कृपा करो। अब जितने दावेदार है सुबह सुनोते जी बैठे रहे और बाकी खड़े हो जाओ, वो सीनियर मोस्ट है इसलिए उनका सम्मान, जरा खड़े हो जाओ भैया। ये गरोट और भानपुरा की पवित्र नगरी है, आप सब चाहते हो कि यहाँ कांग्रेस का विधायक बने, हाथ उठा करके बताओ। सारे जितने चाहते हो सब हाथ उठा करो, कसम खाओ कि कांग्रेस का विधायक बनाना है, कसम खाओ कांग्रेस का विधायक बनाना है। अब हाथ नीचे करो भैया, आप सब भी कसम खाओ कि कांग्रेस का जिसको भी टिकट मिलेगा एकजुट होकर काम करेंगे। याद रखना सुभाष जी, आप भी कह रहे खड़े हो जाओ और कसम खा लो इनके साथ, आ जा। अरे ये हमें क्या कहा, सारे मिलके ये सारों ने कसम खाई है। इस बार हाथ का पंजाब का कैंडिडेट है, कौन है, कौन है, और सब मिला के कोई विरोध करता दिखे तो समझ गए ना, कह गए ना उसको कि कसम खाई थी यार, कहेगा कि नहीं कहेगा। हम सबका लक्ष्य है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना, कि हम सबका लक्ष्य क्या है, फिर से बताओ हम सबका लक्ष्य क्या है, और इसके साथ साथ देश में एक नया वातावरण बनाना जिसमें प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत, भगवान राम और कृष्ण की शिक्षा है। और मैं मानता हूं कि सनातन धर्म से जो प्यार करता है, जो उसके साथ जीवन यापन करता है, वो कभी नफरत नहीं कर सकता, घृणा नहीं कर सकता, प्यार ही करेगा। तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत दूर तक जाना है, पर एक बात समझ लो, गरोट और भानपुरा मेरे दिल के बहुत करीब है। जितना मैं राम से प्यार करता हूँ, जितना बिजलपुर मेरा जो निवास है वहां परिवार के लोगों को मानता हूँ, उतने ही आप सबके भी चरणों में लेकर सेवा करना चाहता हूँ। विधायक एक बनाओगे, नौकर दो पाओगे, बस चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभूति प्रधानी, आपने जन आक्रोश रैली के माध्यम से घरों को किला बनाने की मांग का हम सभी निवेदन करेंगे। हाँ एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो गरोट को जिला बनाने के लिए जो हमेशा पहल करते हैं, 15 साल से हमारा विधायक और सरकार होती तो गरोट जिला बनता। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ये लड़ाई आने वाले समय में हम सब मिलकर लड़ेंगे और गरोट को जिला बनाने का हर दम प्रयास करेंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।